अरे आपकी सभा के बगल में हमने भी सभा किया था खुले आसमान में। आपने 1 करोड़ के पंडाल में सभा किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 1 करोड़। यहाँ जो पंडाल की लागत थी वो 1 करोड़ की लागत थी। इससे पहले आप जानते होंगे कि पंडालों में पंखा का इस्तेमाल होता था, इस बार बकायदा एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हुआ। यदि आप अपने फालतू के खर्चों पर अगर कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है आज जो पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवक अपनी मांगों को मांगने आए हैं, समस्या का समाधान इसी विधानसभा के ही कर ले। इसलिए आज राज्य के मुख्यमंत्री तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे एसपी डीएसपी लोग भी घूम रहे हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री से ना सहे चिंटू पिंटू से टेलीफोनिक वार्ता होती है, तो आपके माध्यम से भी हम संदेश मुख्यमंत्री को देना चाहेंगे। जो भी हमारे यहाँ डीएसपी एसपी महोदय आए हैं निगरानी करने के लिए, जाहिर सी बात है, आप वाच कर रहे हैं कि लड़का लोग क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, आप सुन रहे होंगे, अच्छी बात है, आप सुने चुके, अब आपका ड्यूटी है विधि व्यवस्था संभालना, आपका ड्यूटी है। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मैं साथ ही साथ जो हमारी कार्यपालिका के अंग है उनके माध्यम से राज्य की विधायिका के सर्वोच्च अंग स्थापित माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री यदि कभी फुर्सत मिले तो एक बार इन लोगों के चेहरे को टटोल कर देखिएगा, एक बार इनकी आंखों से आंख मिलाकर साहस कीजिएगा बात करने का, आज किस पीड़ा में है। आप यदि इनकी बहाली को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो याद रखिएगा इस राज्य में विद्रोह और बगावतों की संख्या बढ़ेगी, और कोई नहीं चाहता है कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य बगावत करे, विद्रोह करे। ये राज्य हमारा है, हम बगावत नहीं करना चाहते हैं, हम बागी नहीं बनना चाहते हैं, हम विद्रोही नहीं बनना चाहते हैं, हम केवल अपने हिस्से का अधिकार चाहते हैं। वो अधिकार आपको देना होगा क्योंकि इस राज्य के मुखिया आप हैं।